देखिए, मेरे पास मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन के अंदर FRP लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? FRP। सबसे पहली बात क्या है, FRP लॉक की पहचान क्या होती है मोबाइल फोन में? FRP लॉक की सबसे पहली पहचान होती है कि मोबाइल फोन में यहाँ पर ताला बन के आने लगता है। क्या बन के आने लगता है? ताला। अगर ताला बन के आने लगता है तो समझ जाए कि मोबाइल फोन में 100% FRP लॉक बना है। लेकिन अगर कुछ मोबाइल फोन में से ताला लग के नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के बाद इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपको आगे नेक्स्ट जाना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपका आगे सिस्टम चालू होगा। सिस्टम चालू होने के बाद चेकिंग होगा, पासवर्ड आएगा। आपको पासवर्ड पता नहीं तो गूगल माई पे चले जाइए कि हम गूगल से भी जा सकते हैं। जैसे गूगल पे जाएंगे तो बोलेगा जीमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए। जब जीमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी आगे जाएंगे। ऐसे स्क्रीन को ही हम लोग FRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRP। अब इस मोबाइल फोन का FRP तोड़ने के लिए हमको सबसे पहला काम, कोई भी आता है, कोई भी फोन है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम स्क्रीन पर जाएंगे। सिस्टम स्क्रीन पर जाने के बाद सैमसंग के मोबाइल फोन का लॉक तोड़ना है तो हम लोग अनलॉक टूल से लॉक तोड़ने का तरीका समझ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सैमसंग में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? सैमसंग जाएंगे। तो ये सैमसंग का सॉफ्टवेयर हमारे पोर्टल पे खुल जाएगा। अनलॉक टूल में सबसे यही सबसे बड़ी अच्छाई और खासियत है कि सारा सब कुछ एक ही पोर्टल पे आ जाता है। अब आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। कहाँ जाना है? डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर भी यहीं से खुल जाता है। डिवाइस मैनेजर खुलने के बाद आपको इसमें से ये देखना है कि आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तभी आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, और जब तक फोन भाई कनेक्ट नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बनाएगी या तो यहाँ पर बनाएगी। हमको मोबाइल फोन लेना है और मोबाइल फोन को ऐसे कंप्यूटर से लगा देना है। अब इस मोबाइल फोन को डाटा केबल से लगाना है। जैसे आप लगाएंगे तो इसमें से USB डिटेक्शन आएगा। क्या बनाएगा? USB डिटेक्शन। अगर USB डिटेक्शन बनेगा तो यहाँ पर देखिए, हाँ, योर डिवाइस कनेक्टेड, मतलब इसका USB सही है। पहले इस मोबाइल फोन में USB नहीं काम कर रहा था, इन्होंने USB जैक को रिपेयर किया तब फोन कनेक्ट हुआ। जब फोन कनेक्ट हुआ तभी लॉक टूटेगा, बिना फोन कनेक्ट हुए लॉक नहीं टूटेगा, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बनेगी तभी तो काम होगा ना। अब आपका फोन कनेक्ट हो गया। फोन कनेक्ट होने के बाद अब आप इस मोबाइल फोन को लॉक तोड़ना चाहते हैं तो इस मोबाइल फोन को पहले बैक करिए। क्या करिए? बैक करिए। ये मेरे पास सैमसंग का J7 Prime फोन है। कौन सा फोन है? J7। अब आपको इमरजेंसी में गए, यहाँ पर डायलिंग पैड में जाकर टाइप करना *#0*##। जब ऐसा टाइप करेंगे तो ये फोन में ऐसा लिख के आ जाएगा। इस ऐसे स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग MTP मोड। क्या बोलते हैं भैया? MTP मोड। अब हमारा मोबाइल फोन MTP मोड में आकर के खड़ा हो गया। जब आपका MTP मोड में मोबाइल फोन आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबको दिखता रहेगा ऐसे। यहाँ पर तुम्हारे स्क्रीन में अलाउ का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? उसको हम लोग अलाउ करेंगे। लेकिन अलाउ का ऑप्शन कब आएगा उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाना है। कंप्यूटर स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर सैमसंग में क्लिक किया। सैमसंग में क्लिक करने के बाद फंक्शन में गए, यहाँ पर ऑप्शन आता है इरेज FRP, इस पे ओके किया। अब वो बोला ओपन इमरजेंसी डायलिंग *#0*#, बोला है क्लिक देन कंटिन्यू। हाँ, हमने पहले से ही दबा रखा है, हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने कंटिन्यू किया, जैसे कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर सैमसंग का फोन कनेक्टेड है, USB बन के आ रहा टूल में। आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू मेथड पे क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। जब सॉफ्टवेयर रन होगा तो सॉफ्टवेयर रन होने के बाद चालू होगा। अब स्क्रीन में अलाउ का ऑप्शन आएगा, देखिए इनेबल ADB मोड। अभी देखना अलाउ का ऑप्शन आएगा, वो ADB मोड आया, अलाउ पे क्लिक किया, ओके किया, अलाउ हो गया, सॉफ्टवेयर चला, खट खट खट, रिमूव FRP, डन, ओके, टूट गया फोन। देखिए फोन आपका मोड चेंज होगा। अब मोबाइल फोन का FRP टूट गया। ऐसे सैमसंग के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, देखिए चेंज हुआ स्क्रीन, कोई भी मोबाइल फोन के अंदर आता है आप उसके ऐसे अलाउ करिए।
अलाउ करने के बाद फिर आपका मोबाइल फोन कंटिन्यू करेंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, कितने साल का वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिनिश फिनिश। अभी हमारे मोबाइल फोन का लॉक खुल गया है ना। ऐसे सैमसंग के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, जो मोबाइल फोन तुम्हारे स्टार हैश 0 स्टार हैश जो इस कोड को फॉलो करते हैं, वो उसको बोलते हैं हम लोग एमटीपी मोड। क्या बोलते हैं दोस्त? एमटीपी मोड। तो जब इसमें एमटीपी मोड खुलेगा तो उसमें इनेबल एडीबी मोड का अलाउ करने का ऑप्शन जनरेट होगा और मोबाइल फोन में से एफआरपी गायब हो जाएगा। और अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो बाईपास करने में बड़ा लंबा चौड़ा झामटाम होता है, इसमें वन क्लिक में काम होता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, सैमसंग के मोबाइल फोन को स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता, चालू मोबाइल फोन में ही एफआरपी हटती है। मोबाइल फोन में सैमसंग के कुछ नए फोन आ रहे हैं जिसके अंदर 14 सिक्योरिटी आती है, उसमें एफआरपी हटाने के लिए हमको इस मोबाइल फोन के अंदर आईएमआई नंबर बेस्ड एफआरपी हटती है। वो भी कोई दिन किसी दिन मोबाइल फोन आएगा तो उसको भी मैं ऑनलाइन एफआरपी कैसे हटाया जाता है वो भी मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको हटाया जाता है। तो इससे आप जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सब मोबाइल फोन में से एफआरपी हटा सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसको हम यूट्यूब में भी दे देंगे, तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार तीन बार देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये गेस्चर कर जाओगे कि सर ने कैसे किया है, हमारे पास कल को आएगा तो हम कौन कौन से फंक्शन में कैसे कैसे जाएंगे और कैसे मोबाइल फोन को करेंगे। थैंक यू दोस्तों।